मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। आज का लेक्चर है मेरा वार्ता परिभाषा एवं महत्व। वार्ता परिभाषा एवं महत्व। वार्ता की परिभाषा, वार्ता संस्कृत के वृत्त धातु में ऋण प्रत्यय लगाकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है वृत्ति बराबर जीवन वृत्ति, यानी जीवन के विषय में जो जो ज्ञान दिया जाए उसको जीवन वृत्ति कहते हैं, या जीवन यापन की विद्या। पहले इसका प्रयोग वैश्यों के जीवन यापन के कर्मों के लिए निर्धारित किया गया था। पहले इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था? वैश्यों के जीवन यापन के कर्मों के लिए निर्धारित किया गया था। वैश्य शब्द की उत्पत्ति विषय धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य जन। चूंकि याज्ञिक और युद्ध वर्गों को छोड़ आर्य परिवार का एक बड़ा भाग या सामान्य जनता वैश्य थी, जो भौतिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का उत्पादन करती थी, यानी हमारे जीवन निर्वाह के लिए वाणिज्य व्यापार कौन करता था? वैश्य करते थे, जो मानव समूह के लिए जो खरीद परोत होती व्यापार वाणिज्य करते थे, वह वैश्य समुदाय के लोग करते थे। इसी से इसे वैविषह कहा गया। इस प्रकार वार्ता का प्रयोग संस्कृत साहित्य में दो दृष्टिकोणों से किया गया है। प्रारंभिक रूप में इसका अभिप्राय उन व्यवसायों से संबंधित है जो वैश्यों के लिए निर्धारित थे। दूसरे इससे अभिप्राय उन विषयों के अध्ययन से है जो जीवन यापन संबंधी वृत्तियों से संबंधित है। कौटिल्य ने जहाँ त्रयी को धर्माधर्मी तथा दंड नीति को नया नयो की विद्या कहा है, वार्ता को अर्थनथ्यों की विद्या कहा है। इसमें अथानर्थों से अभिप्राय संपत्ति के हानि लाभ संबंधी ज्ञान से है। शुक्र नीति में कहा गया है कि मनुष्य के हानि लाभ के ज्ञान की विद्या वार्ता है। वार्ता से अभिप्राय प्रायः शास्त्रकारों ने प्रारंभिक अवस्था में कृषि गोरक्ष और वाणिज्य बताया है। कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्मस्व भावजम, यही बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र विष्णु पुराण आदि में भी कही गई है। इसका वादु में विस्तार हुआ, पर जो भी हुआ वह इसी दृष्टि से कि मूल रूप से उसका प्रयोग धन रहा है। इसी से डॉक्टर बनर्जी ने कहा, वार्ता वाज द ब्रांच ऑफ लर्निंग दैट हैड वेल्थ फॉर इट्स सब्जेक्ट ऑफ स्टोरी। ज्ञान की शाखाएं और वार्ता, अगली हेडिंग है ज्ञान की शाखाएं और वार्ता। प्राचीन भारतीय साहित्य में ज्ञान की शाखाओं का व्यापक उल्लेख हुआ है, न केवल संस्कृति के ग्रंथों रामायण महाभारत, धर्मशास्त्रों पुराणों, नीति ग्रंथों, राज्यशास्त्रों में ही विद्याओं का उल्लेख हुआ है, अपितु पाली और प्राकृत में रचित बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी ज्ञान की अनेक शाखाओं का परिचय प्राप्त होता है। शुक्र नीति में ज्ञान की शाखाओं की एक लंबी तालिका उपलब्ध है। इसी से लेखकों का दृष्टिकोण है कि विद्याएं और कलाएं अनंत हैं। विद्या वह है जिसको बोलकर बताया जाए और कला वह है जिसे किया जाए। कला को करके बताया जाता है, विद्या को व्यक्त किया जाता है बोल करके। यहाँ तक कि गूंगे भी इसे कर सकते हैं। विद्याओं में वेद, उपनिषद, तंत्र, खड़ांग, दर्शन, इतिहास, स्मृतियाँ, पुराण, साहित्य, अलंकार, देशज भाषा, शिल्पशास्त्र आदि का उल्लेख हुआ है। पतंजलि ने ज्ञान के विभिन्न प्रकारों को विद्या या लक्षण सबसे संबंधित किया है। ज्ञान की शाखाओं में उपरोक्त के अतिरिक्त
अश्व की विद्या, सर्प विद्या, नक्षत्र विद्या, मेघ विद्या एवं ब्रह्म विद्या का भी यहाँ उल्लेख हुआ है, जो विद्या की विविधता का बोधक है। जातकों में भी 3 वेद और 18 विद्याओं की चर्चा है, जबकि जैन कल्प सूत्र से इनकी लंबी तालिका प्राप्त होती है। इनका उद्देश्य मानव के सुख के लिए उसे अध्ययन की सुविधा प्रदान करना। जैसे आज ज्ञान की शाखाओं को कला, सामाजिक विषय, विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य आदि विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी भारतीय मनुष्यों ने ज्ञान की अनंत शाखाओं का वर्गीकरण किया था। प्रायः 4 प्रकार के विद्याओं का उल्लेख मिलता है। यो तो अलग अलग विचारकों ने इसका वर्गीकरण अपने अपने अनुसार किया है। किसी ने 14, 18, 32 और इससे भी अधिक वर्गों का संकेत दिया है, पर प्रायः शास्त्रकारों ने सभी ज्ञान की शाखाओं को मिलाकर सामान्यतया 4 वर्गों का ही उल्लेख किया है। ये 4 है, पहला है आनिवीक्षिकी, दूसरा है त्रवी, तीसरा है वार्ता और चौथा है दंड नीत के अंतर्गत संपूर्ण ज्ञान की शाखाओं को रखा गया है। जैकोबी के अनुसार आनिवीक्षिकी यानी होता है दर्शन, त्रयी 3 वेद, वार्ता उद्योग विज्ञान तथा दंड नीति शासन तंत्र है। किंतु जो ज्ञान या विद्या का क्रम ऊपर दिया गया है उसे ही अन्य शास्त्रकारों ने सामान्यतया स्वीकार किया है, पर कुछ ग्रंथों में इस क्रम में अंतर दिखता है। महाभारत में आनिवीक्षिकी को 4था स्थान दिया है तथा 4थी विद्या कहा है। वात्स्यायन ने भी काम सूत्र में इसे 4थी विद्या माना है। यासाम 4थी मानवीक्षिकी न्याय विद्या। इनका महत्व बदलते रहने के कारण संभवतः इनके क्रम में अंतर दिखता है। रामायण में 1 स्थल पर इनकी संख्याएं 4 बताई गई हैं, दूसरे स्थल पर 3। मनुस्मृति में भी 3 ही विद्याओं का उल्लेख है। वहां आनवीक्षिकी को अलग विद्या न मानकर उसे त्रयी का ही अंग बताया गया है। इसी प्रकार विद्याओं का वर्गीकरण 4 की अपेक्षा कम किया जाने लगा था, तभी बृहस्पति ने केवल 2 विद्याओं की मान्यता दी है। संपूर्ण ज्ञान को उन्होंने 2 श्रेणियों में विभक्त किया है, वार्ता और दंड नीति। त्रयी को मात्र मानव की सांसारिकता के लिए इनका विस्तार बताया है। उपनिषद ने तो केवल 1 ही विद्या का नाम लिया है, दंड नीति। इनका 1 ही विद्या मानने का अभिप्राय यह नहीं है कि उन्होंने अन्य विद्याओं के महत्व को नकारा है, बल्कि सभी को दंड नीति में समाहित माना है। इससे स्पष्ट है कि इस 1 या ऊपर के 2 या 3 वर्गों का नाम ले लेने मात्र से ही सभी अन्य वर्गों तथा उसके अंतर्गत आने वाले अन्य विद्याओं का बोध होता था। पर यहाँ द्रष्टव्य है कि वार्ता का उल्लेख उपनिषद को छोड़कर सभी ने किया है। उपनिषद द्वारा इसका उल्लेख अलग न करना इसके या अन्य विद्याओं के अस्तित्व को नकारना नहीं है, बल्कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानना मात्र है। यह बात कामंदक के ज्ञान रूपी वृक्ष के विवरण से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा है कि मूल वृक्ष राज शास्त्र है, जिसकी 4 जड़ें 4 विद्याएं मानी गई है। वही राजशास्त्र का सफल ज्ञाता है जो इस वृक्ष की 8 शाखाओं, 4 जड़ों, 60 पत्तों, 2 कोपलों, 6 फूलों और 3 फलों को जानता है। यहाँ वृक्ष के विभिन्न अंग प्रतीक रूप से विद्याएं हैं, जिनका ज्ञान प्रत्येक शासक या व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति के लिए आवश्यक माना जाता था। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांगों में कोष को विशेष स्थान दिया है, जिसके बिना राज्य चल ही नहीं सकता। अतः वार्ता की महत्ता इस वर्णन का मूल आधार है। अगला है वार्ता की प्राचीनता। आदि काल में सतयुग था,
वहां पुष्कर द्वीप में सभी लोग समान थे, तब कोई भी सामाजिक या व्यक्तिगत विभेद नहीं था, व्यवसायगत वर्गीकरण भी तय नहीं किया गया था। अतः ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की आवश्यकता न होने से इनका कोई अस्तित्व नहीं था। यही बात वायु और ब्रह्मांड पुराण से भी ज्ञात होती है। मत्स्य पुराण में दो स्थलों पर भी इसी प्रकार का उल्लेख सप्त द्वीपों के संदर्भ में किया गया है। पहले प्रकरण में 4 द्वीपों तथा दूसरे में 3 द्वीपों का वर्णन है। पीछे सतयुग की समाप्ति कर संभवतः इनका ज्ञान हुआ होगा। प्राचीन लेखकों के भीतर ये विद्याएं इतनी जड़ जमा चुकी थी कि विभिन्न विषयों का वर्णन जब किसी एक ग्रंथ में करते थे तो कहते थे कि इसमें इन चारों विद्याओं से संबंधित ज्ञान संकलित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इनकी महत्ता हेतु इन विद्याओं का संबंध देवी देवताओं के साथ भी जोड़ा गया। इस प्रसंग में देवी भागवत को हम उद्धृत कर सकते हैं, जिसमें दुर्गा को इन चारों विद्याओं त्रयी वार्ता आदि नामों से उनकी प्रार्थना करते हुए संबोधित किया गया है। इसी प्रकार विष्णु पुराण में लक्ष्मी की प्रार्थना में उसे त्रयी और वार्तता नाम से संबोधित किया गया है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि अन्नई रूप में वह सांसारिक विपदाओं से लोगों की रक्षा करती है और वार्ता रूप में जीवधारियों का संकट काटती है। इस प्रकार प्राचीन भारत में जैसे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति दैवी आधार से जोड़ी गई है, उसी प्रकार ज्ञान के इन चारों अंगों को भी दैवी के साथ समाहित किया गया है। जैन ग्रंथों में भी इसकी उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन बताई गई है। जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र में वर्णित है कि ऋषभनाथ ने संसार के कल्याण के लिए 72 विज्ञानों नारियों को 64 विद्याओं लोगों को 100 कलाओं और 3 व्यवसायों की शिक्षा दिया। ये 3 व्यवसाय है कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य। यह पुष्ट प्रमाण है कि वार्ता प्रारंभिक काल में ज्ञान की एक शाखा थी। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों में भी इसका ज्ञान मिलता है। पेतवत्यु नामक बौद्ध ग्रंथ में वर्णित है कि प्रेतों की जीविका के लिए कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका अभिप्राय है कि सामान्य प्राणियों के लिए ये व्यवसाय आवश्यक थे। इस प्रकार सतयुग के बाद वार्ता की अवधारणा लोगों के मन में बैठ गई थी और इसका ज्ञान वैदिक काल से लोगों को था। तभी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति गुण कर्म के आधार पर होने के से बाद में विकसित होने वाले वर्ण धर्म के विवेचन में इसे वैश्यों का कर्म मानकर मूलतः जोड़ा गया। इस प्रकार वार्ता विद्या का रूप तब ग्रहण किया जब प्रत्येक वर्णों के लिए अलग अलग जीवन वृत्तियों का निर्धारण हुआ। अगला है वार्ता का महत्व। वार्ता प्राचीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग था। वेद की जितनी महत्ता स्वीकार की गई है उतनी ही महत्ता वार्ता को भी दी गई है। यह समाज के लोगों के लिए एक अत्यंत आवश्यक और उपयोगी ज्ञान था, जिसके आधार पर उनकी जीविका नियंत्रित होती थी। बिना आर्थिक क्रियाओं और उससे अर्जित लाभ के द्वारा मानव का जीवन सुखी नहीं रह सकता और न वह व्यवस्थित समाज एवं राज्य व्यवस्था को ही बना सकता है। जहां अर्थाभाव हो, हानि ही हानि हो, वहां अव्यवस्था और अराजकता होना स्वाभाविक है। वह समाज जंगल समाज हो जाएगा और वहां से विकास कोसों दूर हो जाएगा। इसी महत्ता के कारण इसे विविध नामों से संबोधित किया गया है, अर्थवेद, अर्थविद्या, अर्थशास्त्र आदि। इसको भी वेद की ही कोट में रखने के लिए इसके विषय को उपवेद कहा गया है, कभी ऋग्वेद का, किंतु सामान्यतः अर्थवेद का।
यह अर्थशास्त्र और राजशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय था। राज्य के सप्तांगों में कोष की महत्ता अत्यधिक स्वीकार की गई है। कोष के अभाव में शासन नहीं चल सकता। संपत्ति के लाभ के आधार पर ही कोष बढ़ाकर राज्य को सुदृढ़ किया जा सकता है। अर्थशास्त्र मंब ब दव उपवय में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसके द्वारा समाज नैतिक दृष्टि से लाभ अर्जित करता हुआ अपना विकास कर सके। इसलिए वार्ता की महत्ता राज्य और समाज दोनों के लिए स्वीकार की गई है। इसमें इन दोनों विषयों की आधार सामग्रियां समाहित हैं। वार्ता राजकुमारों के अध्ययन का प्रधान विषय था। राजा का कार्य था भूमि की रक्षा करना। यह तभी संभव था जब राजा आर्थिक रूप से राज्य को समृद्ध करे। इसके लिए संपत्ति से लाभ अर्जित करना आवश्यक था। अतः राजकुमारों के लिए इसके ज्ञान की नितांत आवश्यकता महसूस की गई थी। कौटिल्य ने इस विषय में कहा है कि वार्ता यानी अर्थशास्त्र का अध्ययन राजकुमारों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि अन्न पशु खनिज वन संपदा और स्वतंत्र श्रम संबंधी ज्ञान प्रदान करती है। इससे कोष और सेना को व्यवस्थित रखा जा सकता है तथा शासक इसके द्वारा अपने को और शत्रु पक्ष को नियंत्रित रख सकता है। ज्ञान की चारों शाखाएं आनविचकी त्रयी वार्ता और दंड नीति समान महत्व की मानी गई है, क्योंकि संपूर्ण मानव समाज एवं राज्य के विकास में इन सब की बराबर की सहभागिता है। फिर भी अनेक दृष्टियों से आर्थिक अध्ययन का विषय उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना वेद। इसी से प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वार्तता की विशिष्टता का उल्लेख है। महाभारत में अनेक अंशों में इसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। एक स्थल पर कहा गया है कि वह व्यक्ति मूर्ख है जो तीनों वेदों वार्ता और अपने लड़कों को छोड़कर संन्यास ग्रहण करता है। दूसरे स्थल पर कहा गया है कि संसार की जड़ वार्ता है, इसका नियंत्रण वेद द्वारा होता है और यही राजा को समुचित रीति से सुरक्षित रखता है। संभवतः इसीलिए त्रयी को कौटिल्य ने धर्माधर्मों की विद्या कहता है, जो उचित और अनुचित का ज्ञान देता है तथा वार्ता को अथानर्थी की, जिसमें धन कमाने तथा हानि उठाने की स्थिति और व्यवस्था का ज्ञान है। पर धन कमाने के लिए धर्म की रीत की मान्यता के कारण इसके नियंत्रण के लिए महाभारत ने वेदों को सौंपा है। तीसरे स्तर पर कहता है कि यह संसार क्रियाशील है, जिसमें वार्ता की महत्ता अत्यधिक है। इन विवरणों के आधार पर लगता है कि मनुष्य अपने नैतिक उत्थान के लिए जितना वेदों पर आधारित है, उतना ही भौतिक उत्थान के लिए वार्ता पर। इसकी चरमता महाभारत के इस कथन में है कि इन विद्याओं चारों विद्याओं से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य संसार में व्यवस्थित न्याय पथ पर रह सकता है। पर जिस प्रकार त्रयी के अभाव में नैतिकता का लोप हो जाएगा, दंड नीति के अभाव में अराजकता फैल जाएगी, उसी प्रकार वार्ता के अभाव में मनुष्य का अस्तित्व ही इस धरती से समाप्त हो जाएगा। वार्ता का विषय क्षेत्र। वार्ता को मूलतः वैश्यों का विषय बताया गया है, पर धीरे धीरे इसकी सीमा का विस्तार होता गया, क्योंकि धर्मशास्त्रों में यह छूट दी गई कि जब वैश्यों का अपने व्यवसाय से कार्य न चले तो वह शूद्रों का व्यवसाय ग्रहण कर सकता है। यह धीरे धीरे बढ़ते हुए इस रूप में आया कि संपत्ति संबंधी सभी विषय इसके सीमा में समाहित हो गए। अतः प्रारंभिक स्तर पर वैश्यों का मूल धर्म बताया गया है, कृषि गोरक्ष और वाणिज्य। इनमें पशुपालन के संबंध में कहा गया है कि वैश्यों को पुत्र की तरह पशुओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार वार्ता के ये तीन अध्ययन विषय थे। कामंदक के अनुसार जो लोग इन व्यवसाय का पालन करते थे उनके व्यवसाय को वार्ता कहा जाता था। जो इनमें निष्णात होते थे उन्हें अपनी जीविका के लिए चिंता नहीं करनी
होती थी। रामायण में वार्ता के विषय में राम ने भरत से जंगल में मिलने पर राज के लोगों के संबंध में पूछते हुए जानना चाहा था कि कृषक और पशुपालक जो वार्ता में संलग्न है क्या संसार में समुन्नत हो रहे हैं। पीछे चलकर भागवत पुराण में वार्ता को चतुर्विद्या कहा गया है। तीन विद्याओं की चर्चा तो ऊपर की गई और चौथी विद्या कुसीद को यहाँ जोड़ा गया है। कुसीद का अर्थ है सूद पर रुपया उधार देना। इस प्रकार अब वार्ता के अध्ययन के चार घटक हो गए, कृषि, गोरच, वाणिज्य और कुसीद। मार्कंडेय पुराण में भी वार्ता को क्रिस्टो या दि चतुष्ट या रूपा कहा गया है और चार वृत्तियों में कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, कुसीदग की गणना की गई है। पर अभी तक मौलिक रूप में कला कौशल संबंधी क्रियाएं वार्ता का अंग नहीं बनी थी। इसका कारण था कि वार्ता वैश्यों का विषय था और कला कौशल शूद्रों का। पर मनु ने आपद धर्म के विषय में विचार करते हुए कहा है, संकट के समय वैश्य शूद्रों का व्यवसाय ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार महाभारत में कहा गया है कि यदि शूद्रों को अपने निर्दिष्ट कर्म से काम न चले तो वैश्यों की वृत्ति विशेष रूप से कारीगरी को अपना सकता है। यहाँ रेखांकित किया जा सकता है कि कारीगरी करने को जो शूद्रों और वैश्यों की अब सामान्य वृत्ति बन चुकी थी। इसका कारण जैसा सूत्र ग्रंथों से ज्ञात होता है था कि कुछ वैश्यों ने क्षत्रियों की वृत्ति अपना लिया था और अधिकांश ने शूद्रों की। इसके पीछे कारण था कि जब परशुराम ने पृथ्वी को निह क्षत्रिय किया था तो शूद्रों और ब्राह्मणों के बीच समता होने लगी थी। धर्मशास्त्रों के समय जब जातिगत और व्यवसायगत बंधन ढीले पड़ने लगे थे तभी याज्ञवल्क ने कहा है कि शूद्र व्यापार तथा कृषि भी कर सकता है। इस समय शूद्रों और वैश्यों में विशेष अंतर न रहने के कारण ही दोनों में अंतर भोज होने लगा था तथा वैश्यों का अलग व्यवस्थित वितरण लगभग अप्राप्य हो गया। अतः कला कौशल भी अब वार्ता का विषय बना। इसी से पहले जहां कुछ पुराणों में दोनों वार्ता और कला कौशल के बीच विभेदक रेखा खींचकर वार्ता के अंतर्गत आने वाले विषयों को वार्तोपाय कहा गया है, वही कला कौशल के लिए कर्मणा हस्त सिद्धि का प्रयोग हुआ है, जिसमें शारीरिक श्रम और विशेष कला में निपुणता का ज्ञान होता है। अतः दो वर्णों वैश्य और शूद्रों के क्रमशः अलग अलग कार्य थे। इसी से कौटिल्य ने भले ही वार्ता को शूद्रों का ही व्यवसाय माना है पर साथ ही शूद्रों के अपने निर्धारित क्रियाकलाप करने का उल्लेख भी किया। अतः स्पष्ट है कि पहले कार्य कर्म कला कौशल वार्ता का विषय नहीं थे, किंतु महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा अर्जुन से जो अर्थात विशारद था पुरुषार्थों की महत्ता के विषय में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में अर्थ को ही जीवन का आवश्यक पुरुषार्थ बताया गया था। इसकी व्याख्या में उसने कहा कि संसार क्रिया भूमि है जहाँ कृषि व्यापार और पशुपालन के साथ कला कौशल किया जाता है। अतः अब कलाओं को भी वार्ता का विषय बनाया गया। इस प्रकार वार्ता या संपत्ति संबंधी विद्या में अबु व्यवसायों यानी कला कौशल को भी जोड़ दिया गया। इसकी पुष्टि देवी भागवत से भी होती है, इसका उल्लेख ऊपर किया गया है। इस प्रकार अब वार्ता का क्षेत्र 5 हो गया, कृषि, वाणिज्य, गोरच, कुसीद और कारुकर्म। दूसरे रूप में वार्ता में वे सभी विषय समाहित हो गए जो मानव के भौतिक रुचि और आवश्यकता थे, जिससे वे इसके द्वारा अर्थ की प्राप्ति कर अपना भौतिक विकास कर सकें। इसीलिए मनु ने ऐसे विषयों की एक लंबी तालिका वैश्यों के संबंध में दिया है। इसमें पशुपालन का ज्ञान, धातुओं और रत्नों की परख एवं उनके मूल्य, सुगंधि, वस्त्र, भूमि प्रकार, बीज, माप, तौल, अच्छी बुरी वस्तुओं की परख, व्यापारिक वस्तुओं के लाभ हानि का परिचय, विभिन्न बाजारों की जानकारी, पशुधन के विकास के उपाय, श्रमिकों के गुण और मजदूरी का ज्ञान।
वार्ता और अर्थशास्त्र। कौटिल ने वार्ता को अर्थानिथव की विद्या कहा है, अर्थात इससे लाभ हानि का ज्ञान प्राप्त होता है। यह मूलतः अर्थ या संपत्ति से संबंधित विद्या है, इसीलिए जैसा ऊपर देखा गया है इसे अर्थ विद्या, अर्थवेद, अर्थशास्त्र आदि नामों से संबोधित किया गया है। जो प्राचीन अर्थशास्त्र के विषय थे उनसे उनका साम्य प्रथम दृष्टि में मान लेना उचित लगता है, जबकि सत्य इससे कुछ अलग है। दोनों एक आधार अर्थ पर निर्भर होते हुए भी अलग अलग हैं। कौटिल्य ने स्वयं इनके अंतर को दोनों के क्षेत्र विस्तार का विवेचन करके किया है। वार्ता का विषय विस्तार जहाँ अन्न, पशु, स्वर्ण, वन उत्पादन, मिष्टि, बेगार आदि है, जिससे कोष और सेना की व्यवस्था राजा करता है, वही अर्थशास्त्र से अर्थ यानी भूमि को धारण करने और उसकी सुरक्षा करने से अभिप्राय है। इसी से कौटिल्य ने कहा है कि चूंकि वित्त पर ही सारी क्रियाएं निर्भर करती हैं, अतः कोष को प्राथमिकता देना राजा का धर्म है। इसके लिए राजा को सलाह दी गई है कि वह आर्थिक साधनों को जुटाने वाली क्रियाएं करे, जैसे खनन, अथातियों का वन, राजकीय चारागाह एवं पशु प्रजनन, व्यापार, सड़क निर्माण, बाजार व्यवस्था आदि। वार्ता के अधिकारी शिष्य और गुरु। वार्ता जैसा ऊपर वर्णित है मूलतः वैश्यों से संबंधित बताया गया है। इसकी विषय वस्तु संपत्ति है, जिसका कार्य क्षेत्र वैश्य वर्ण है। इसके अंतर्गत जिन विषयों का समावेश है वे वैश्यों के क्रियाकलाप से संबंधित है। इससे यह निष्कर्ष लेना स्वाभाविक है कि वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अन्य वर्णों से नहीं है। इसका संबंध क्रियान्वयन में भले ही वैश्यों से रहा हो, पर अन्य वर्णों को इसके ज्ञान से वंचित रखने का उल्लेख नहीं है। शूद्रों के लिए भी इसकी छूट दी गई है। वार्ता के विषय क्षेत्र में ऊपर यह देखा गया है कि अनेक शिल्पों को जिसमें जोड़ा गया जो मूलतः शूद्रों का जीवन वृत्त था, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता था। मनु ने ऐसे ब्राह्मणों की एक तालिका भी ब्राह्मणों के विषय में गौतम ने छूट दिया है कि वे द्विजातियों में से किसी भी वर्ण का धर्म पालन कर सकते थे, यहाँ तक कि वैश्यों का भी। चूंकि वार्ता जो वैश्यों का मूल विषय था उसके साथ शूद्रों द्वारा पालन किए जाने वाले शिल्प भी समाहित थे, अतः प्रसंगवत वे शूद्रों के भी व्यवसाय ग्रहण कर सकते थे, किंतु कुछ बंधनों के साथ, जैसे उन्हें सुगंध, पका चावल, पशु नमक, लाल रंग के कपड़े, दास व अस्त्र, जल आदि के विक्रय के लिए उन्हें मना किया गया है। इसीलिए ब्यूलर ने गौतम धर्मसूत्र के अनुवाद में कहा है कि ब्राह्मण सरल कृषक थे और सामानों के व्यापार में सुसुप्त व्यापारी थे। ब्राह्मण भले ही भूपति थे पर उस पर कृषि कार्य शूद्र करते थे। सभी ब्राह्मणों को यज्ञ तथा भोज में नहीं आमंत्रित किया जाता, क्योंकि अधिकांश ब्राह्मण अपने वर्ण धर्म से च्युत हो चुके थे। उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता। मनु ने ऐसे ब्राह्मणों की एक तालिका दी है, उन्हें विपणेन जीवन व्यापारी, कृषि जीवी कृषक, वृक्षारोपक बाग लगाने वाले, पशुपाल पशुपालक, कुशी उयु नाट्यकार, वाधूसी सुदखोर आदि ब्राह्मणों का उल्लेख है। अभी संहिता में ऐसे 10 प्रकार के विप्रों का उल्लेख है जिसमें वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण भी हैं। ये ब्राह्मण क्रमशः वैश्य और शूद्रों की जीवन वृत्ति अपनाते थे, अतः वार्ता के विषय दूसरे वर्णों यहाँ ब्राह्मणों द्वारा अपनाए जाने की पुष्टि इससे होती है। सारांश। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र वार्ता का अध्ययन ही नहीं करते थे, अपित इसको व्यवहार में प्रयोग भी करते थे। क्षत्रियों के लिए यह आवश्यक विषय था, क्योंकि आशासक के लिए यह अत्यंत उपयोगी था। इसी से इसको पृथिव्या लाभ पालनोपाय कहा गया है। दूसरी ओर इसके आचार्यों के संबंध में उल्लेखनीय है कि चूंकि यह वैश्यों की विद्या थी इसलिए वे ही इसके आचार्य थे। दूसरे ब्राह्मणों को विद्याओं का आचार्य माना जाता था,
उनका वर्ण धर्म था ही अध्ययन अध्यापन, अतः विषय के रूप में वे इसका अध्ययन करते थे तथा शिष्यों को वार्ता विषय का अध्यापन करते थे। वे इसके व्यवहारिक प्रयोग में भी सिद्धस्थता प्राप्त होते थे। यह उन्हीं लोगों के द्वारा पढ़ा जाता था जिनको इसका व्यवहारिक ज्ञान होता था। शूद्र भी वार्ता के अध्यापक इस दृष्टि से थे क्योंकि अनेक कलाओं में वे ही निपुण थे, अतः उनसे विविध कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। इसी से यह छूट दी थी, जो भी व्यक्ति किसी विद्या में निष्णात हो उससे विद्या सीखना चाहिए। धन्यवाद।